और एक सुबह सब कुछ जलने लगा था। वो आग नहीं हुई है शांत, नहीं थमा है बंदूकों का शोर, लहू अब भी बह रहा है। उड़न खटोलों से उतरते लुटेरे, कीमती छल्ला पहने लुटेरे और काला चोंगा ओढ़े लुटेरे आसमान से उतरते हैं, करते हैं हत्याएं। सड़कों पर बह रहा है बच्चों का खून, बह रहा खून बच्चों का ही है। अस्पताल में आखिरी वक्त बिता रहे एक बुजुर्ग कवि पाब्लो नेरुदा ने दशकों पहले ये कविता लिखी थी, लेकिन अब ये नए सिरे से सच हो गई थी। उन दिनों के अखबार जैसे कविता के नए रूपक बुन रहे थे। चंद रोज पहले उसके मादरे वतन में खूब खून बहा था, हजारों का। इसमें उसका अपना बच्चा भी था कवि कुल के लिहाज से। वो बच्चा एक नौजवान कवि था, देश के बागियों और आशिकों की जबान था वो। लेकिन उस वक्त राजधानी के नेशनल स्टेडियम के फर्श पर लहू लुहान पड़ा था। मारने से पहले फौजी उसे बूटों से रौंद रहे थे, सिगरेटों से दाग रहे थे, तड़पने के लिए फिर छोड़ गए। उसके बदन में फिर भी कुछ हरकत होती रही, उसकी अंगुलियों से खून रिस रहा था और वो उन्हें अपनी फटी कमीज पर रेंगने दे रहा था। कुछ समय के बाद कवि को गोली मार दी गई। अब उसकी लाश एक विभत्स समय के रोजनामचे में दाखिल हो चुकी थी। समय जो हजारों वर्ष पहले से लिखा जा रहा था, माया सभ्यता के भी पहले से, और उसमें कई तब्दीलियां आने वाली थी। एक नाविक का राजा से झगड़ा और दूसरे राजा की किस्मत का खुलना, एक जनरल की हत्या, दूसरे जनरल की वफादारी और तीसरे जनरल की गद्दारी, एक जलसे में नेवर अगेन सुनकर लाखों लोगों का एक साथ रोना, एक गिरफ्तारी से बीमारी की ओट लेकर बचे बुढ़े का व्हील चेयर पर क्रूर ढंग से हंसना, या एक बच्ची का टॉर्चर कैंप से निकलकर देश की राष्ट्रपति बनना। आदत नहीं रह गई थी उस देश को राष्ट्रपति की, देश की आदत बना दी गई थी एक हुक्मरान के हुक्म पर हंसना और रोना। हुक्मरान जो खाकी वर्दी पहनकर खुद को देश बचाने वाला कहता था, लेकिन असल में था वो तानाशाह। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की नई सीरीज है जिसका नाम है तानाशाह। इस एपिसोड में हम चिली के तानाशाह पिनोशे की कहानी कहेंगे, जनरल अगस्तो जोशे रेमन पिनोशे उगार्ते की कहानी। इस तानाशाह से वाकिफ होने से पहले उस जमीन तक पहुंचने की जुगत करते हैं। चिली साउथ अमेरिका में पड़ता है। ब्राजील और वेनेजुएला इस महाद्वीप के नामी गिरामी देश हैं। अगर आप इसका नक्शा देखेंगे तो पूर्व वाले हिस्से पर ब्राजील का एकाधिकार दिखता है और पश्चिम की तरफ मिर्ची की सूरत में है चिली। इसका स्पेनिश उच्चारण है चिले, लेकिन हिंदी में चिली ही कहते हैं। यहाँ के महान कवि पाब्लो नेरुदा कहते थे कि चिली मतलब वाइन, बर्फ और समंदर का हसीन गुलदस्ता। इस गुलदस्ते में खाना बदोश लोग 12,500 साल पहले से रहने लगे थे, लेकिन बाहर की दुनिया से उनका वास्ता हुआ 15वीं सदी में, जब यूरोप में एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हुआ। चिली तक यूरोपियंस के पहुंचने की कहानी एक तस्करी के इल्जाम से जुड़ी है। पुर्तगाल का एक नाविक था फर्डिनेंड मैगलेन। पहले उसकी टोली पूर्व की तरफ रवाना हुई, भारत पहुंची और इंडोनेशिया तक गई। जब मैगलेन अपने देश लौटा तो राजदरबार में उस पर तस्करी का इल्जाम लगा। पुर्तगाल के उस समय राजा थे मैनुअल प्रथम। उन्होंने इसी बिना पर उसका अगला यात्रा प्लान कैंसिल कर दिया। ये क्या था प्लान? मैगलेन इस दफा यूरोप के पश्चिम में जाना चाहता था, एक नए रूट की तलाश में, मसालों तक पहुंचने के लिए जो यूरोप में खाद्य के लिहाज से बहुत अहम थे। लेकिन राजा मैनुअल तो माने नहीं, और ऐसे में मैगलेन पुर्तगाल के उस वक्त के दुश्मन देश स्पेन चला गया और वहां के राजा ने उसकी मदद की। और इस दफा बरस 1519 में मैगलेन निकला समंदर के द्वीपों को टटोलते हुए और एक बरस में पहुंच गया चिली। यहां कुछ कारोबारियों और नाविकों को छोड़कर वो आगे बढ़ गया। धरती का चक्कर पूरा करना था उसे, नए रूट खोजने थे। लेकिन फिलीपींस में स्थानीय कबीलों की लड़ाई में वो उलझ गया और एक दोपहर जहरीले तीर का शिकार होकर जमींदोज हो गया। जमींदोज होने से पहले मैगलेन क्या कर गया था? वो मैप पर चिली दिखा गया था स्पेन वालों को। उसके शुरुआती दस्ते स्थानीय मापुचे कबीले से हार गए, लेकिन फिर आई स्पेन की सेना कमांडर पेड्रो डी वाल्दिविया के नेतृत्व में। उन्होंने चिली में अपना राज कायम किया। आज की तारीख में चिली की जो राजधानी है सेंटियागो, उसे वाल्दिविया ने ही 1541 में बसाया था। अब स्पेन ने चिली पर कब्जा कर लिया, लेकिन चैन से शासन नहीं कर पाया। कबीले लगातार परेशान करते रहे। दूसरा, वहां कीमती खनिजों की कमी थी,
यानी आर्थिक रूप से भी ये मुफीद नहीं था। तो लगातार के विद्रोह, संसाधनों की कमी, हालत ये हो गई कि चिली में सरकार चलाने के लिए स्पेन को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ा। चिली उसके लिए गोया इज्जत बरकरार रखने का एक सवाल भर बनकर रह गया हो। उधर लगातार बगावत हो रही थी और इन सब के बीच 1810 में चिली ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। पर स्पेन दावा पूरी तरह छोड़ने के मूड में नहीं था। नतीजतन स्पेन के वफादारों और पैट्रियट्स यानी देशभक्तों के बीच सिविल वॉर शुरू हुआ जो 8 बरस चला और इसमें पैट्रियट्स की जीत हुई। पर अगले 100 बरस तक इस जीत के बाद भी अराजकता बनी रही। सिविल वॉर खत्म भी हुआ, संसदीय व्यवस्था भी आई तो उसमें भी गड़बड़ियां थी, लेकिन इन्हें पूरी तरह ठीक किया अलेजांद्री पाल्मा ने। राष्ट्रपति पाल्मा 1925 में नया संविधान लेकर आए, नागरिकों को अधिकार दिया, चर्च का शासन में दखल खत्म किया और किए निष्पक्ष चुनाव। 45 बरस इस सिस्टम ने ठीक काम किया, लेकिन फिर एक चुनाव के नतीजे आए और चिली दोबारा पुरानी राह पर धकेल दिया गया और इसे धकेलने वाले हाथ थे अमेरिका के। तारीख 15 सितंबर 1970, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स के बीच। इसका एजेंडा क्या था? अमेरिका से 8,500 किलोमीटर दूर बसा चिली, अमेरिका चिली में सरकार बदलना चाहता था। दरअसल 4 सितंबर 1970 को चिली में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कम्युनिस्ट रुझान वाले सल्वाडोर अलांदे ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे। अब उन्हें बस चिली की संसद यानी कांग्रेस की हां का इंतजार था और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन जाते। अलांदे का आना सोवियत संघ के लिए अच्छी और अमरीका के लिए बुरी खबर थी। ये कोल्ड वॉर का दौर था और इसीलिए व्हाइट हाउस में मीटिंग हो रही थी। 15 मिनट बाद जब CIA के डायरेक्टर निकले तो उनकी पॉकेट डायरी में कुछ हैंड रिटन निर्देश थे राष्ट्रपति के दिए हुए। क्या थे ये निर्देश? चिली की इकॉनमी को घुटनों पर ला दो, अपने सबसे काबिल आदमी लगाओ, $1 करोड़ दे रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो और दूंगा। और इसके अगले दिन CIA ने प्रोजेक्ट फुबेल्ट शुरू किया। अलांदे सरकार गिराने के लिए ये ऑपरेशन था। इसमें 3 प्लान सोचे गए। पहला, सेना प्रमुख को पक्ष में करके तख्ता पलट कर दो। दूसरा, चिली की संसद यानी कांग्रेस से अलांदे को राष्ट्रपति बनने की स्वीकृति ही ना मिलने दो। और तीसरा, चिली की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दो ताकि जनता विद्रोह कर दे। पर ये प्लान कागज पर थे, असल में क्या हुआ? CIA ने पहला डोरा डाला आर्मी चीफ रेने शेंदे पर। शेंदे ने बगावत से इनकार कर दिया और ऐसे में एक आर्मी जनरल ने शेंदे का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन शेंदे सरेंडर करने वाली शख्सियत नहीं थे। वो उस बागी दस्ते से भिड़ गए और नतीजतन उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। चिली इस घटना से सकते में आ गया, लेकिन उसकी उस समय पहली फौरी प्राथमिकता थी सत्ता हस्तांतरण की। और इसीलिए इस कत्ल के 2 रोज बाद 27 अक्टूबर 1970 को चिली की संसद ने अलांदे को राष्ट्रपति चुन लिया। अमेरिका कांग्रेस में भी कुछ नहीं कर पाई और तब उसने पूरी ताकत से प्लान सी पर काम करना शुरू कर दिया। आर्थिक सेहत चौपट करने के लिए कभी सामान की सप्लाई बाधित की गई, कभी पैसे खर्च कर ट्रक वालों की हड़ताल करा दी गई। आलम यह हो गया 2 बरस में कि माचिस की डिब्बी खरीदने के लिए भी लोगों को 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ी। उधर अखबारों में लगातार अलांदे सरकार की विफलता के किस्से छप रहे थे, उसे कोसने वाले लेख छप रहे थे। सब जगह डॉलर की छाप साफ दिख रही थी और अलांदे इन सब से निपटने में बेबस महसूस कर रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने अपने प्लान वन को फिर से एक्टिव किया। सेना के एक गुट ने 29 जून 1973 को राष्ट्रपति के घर ला मोनेडा पर चढ़ाई कर दी। इस टुकड़ी में ऑटोमेटिक हथियार थे, टैंक वाला दस्ता भी था। अलांदे ने फौरन आर्मी चीफ कार्लोस प्रॉस से संपर्क किया। कार्लोस और भी बड़ी टुकड़ी लेकर आ गए, बागियों को घेर लिया, सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया और फिर कार्लोस अपने सहायक जनरल चीफ ऑफ स्टाफ के साथ राष्ट्रपति के कमरे में पहुंचे। सब ठीक है कि खबर सुनी राष्ट्रपति ने, अलांदे ने, और राहत की सांस ली और उन खाकी वर्दी धारियों को, उन जनरलों को कर्तव्य पालन के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद अलांदे कार्लोस से उनके उत्तराधिकारी की यानी अगले आर्मी चीफ की चर्चा करने लगे, क्योंकि 2 महीने में कार्लोस का कार्यकाल पूरा होना था। कार्लोस ने प्रेसिडेंट की क्वेरी सुनी और फिर अपने जनरल चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, जिस अफसर ने म्यूटनी खत्म की, आपकी रक्षा की, जो मेरे बगलगीर है, वही देश की
सेना संभाल सकता है। ये बगलगीर अफसर था जनरल पिनोशे। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया, मिलिट्री स्कूल का पढ़ा, अनुशासन की घुट्टी पिया, एक सैन्य अधिकारी। ये चुनाव हो गया, लेकिन कुछ ही महीनों में प्रेसिडेंट अलांदे और आर्मी चीफ कार्डोस की जिंदगी इस चुनाव के चलते बदल गई। 11 सितंबर 1973, नए आर्मी चीफ को आए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। राजधानी सेंटियागो के आसमान में अचानक वायुसेना के विमानों की संख्या और उड़ान बढ़ गई। सेना की टुकड़ियां भी बैरक से निकलकर सड़कों पर आ गईं। उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस ला मोनेडा की तरफ जाने वाली सब सड़कें ब्लॉक कर दी। और फिर एक जोर का धमाका हुआ। लोगों ने गर्दन उठाकर देखा तो पाया कि देश के सबसे प्रतिष्ठित आवास से धुआं उठ रहा है। वायुसेना लॉ मोनेडा पर बम बरसा रही थी। उस वक्त राष्ट्रपति अलांदे अपनी पैलेस में मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी रूम से एक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। इसमें क्या बोले राष्ट्रपति? मेरे दोस्तों, शायद मैं आपको आखिरी बार संबोधित कर रहा हूं। मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, एक दिन उन्हें इसका एहसास होगा। मैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं देने वाला हूं। मैं चिली की जनता के भरोसे को अपनी जान देकर जिंदा रखूंगा। रेडियो प्रसारण के फौरन बाद राष्ट्रपति ने आर्मी चीफ से संपर्क करने की कोशिश की, और तब उन्हें पता चला कि इस बार बगावत किसी टुकड़ी ने नहीं की, जनरल पिनोशे के नेतृत्व में पूरी की पूरी सेना ने की। पिनोशे ने राष्ट्रपति के संवाद के बाद वायुसेना से हमला तेज करने को कहा। अलांदे ने देखा अब कोई सूरत नहीं बची, फिर खुद को देखा और कमर से पिस्तौल निकाली और गोली मार ली। राष्ट्रपति मर चुका था, और जैसे ही अलांदे के मरने की खबर बाहर आई, सेना ने हमला रोक दिया। नेशनल रेडियो कुछ ही मिनटों बाद दिन में दूसरी दफा घर घर आया। इस बार इससे जनरल अगस्तो पिनोशे की आवाज आ रही थी। उन्होंने राजनीतिक अराजकता की दुहाई दी, कहा कि अब सेना ने सब अपने नियंत्रण में ले लिया है, नया संविधान बनेगा, जनता के दुख दूर होंगे। और ये दुख अगले ही दिन से दूर होने लगे। अलांदे समर्थकों ने तख्ता पलट के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला तो सेना ने उन सबको गिरफ्तार कर राजधानी के नेशनल स्टेडियम में बंद कर दिया और फिर मारना शुरू किया। पहले देह पर मारा, फिर जान से मारा। यहीं पर वो नौजवान कवि भी मारा गया जिसका जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में सुना था। उस कवि का नाम था विक्टर हारा। विक्टर अलांदे का समर्थक था, उनकी चुनावी रैलियों में जनगीत गाता था। उसके चाहने वाले कहते थे कि अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बॉब डायलन को एक शरीर में बंद कर दिया जाए तो वो विक्टर हारा होगा। लेकिन हारा का सपना हार गया, और अगस्तो पिनोशे, उसे अपनी जीत अभी भी अधूरी लग रही थी क्योंकि कुछ और टारगेट थे जिन्हें एलिमिनेट करना जरूरी था। और उधर इस पूरे प्रसंग का एक दूसरा किरदार अमरीका, जो आज 9/11 को आतंकी हमलों की बरसी की तरह याद करता है, कह कहे लगा रहा था। साल 1973 का 9/11, इस दिन उसने अपना राजनीतिक मकसद हासिल जो कर लिया था। तो जनता की भलाई का वादा कर सत्ता में आया ये फौजी हुक्मरान चिली के लिए कैसा साबित हुआ? क्या ये उसका आखिरी पॉलिटिकल मर्डर था? क्या उसने रेडियो पर किए अपने वादे को निभाया? अगर ये सत्य था तो फिर 2 कार बम धमाकों का क्या, जो चिली से दूर हुए थे लेकिन चिली के राजनीतिक मकसदों के लिए हुए थे? उस ठंडी हंसी का क्या जो नोबेल पीस प्राइज विजेता ने दी थी अत्याचारों के कारनामे सुनने के बाद? व्हीलचेयर पर मुस्कुराते उस बुढ़े का क्या जो भीड़ को देखकर अपनी सीट से खड़ा हो गया था लेकिन जज को देखकर मिमियाने लगा था? तानाशाह में जनरल पिनोशे के किस्से अभी बाकी हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप।